ओके गाइस, लाइट वेव के मदद से आप लोग कुछ इस तरीके की एडिटिंग कैसे कर सकते हो, मैं आप लोगों को इस वीडियो पर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। गाइस, आप लोग फोटो के अंदर देख सकते हो कितना मस्त रेड कलर है एंड बैकग्राउंड के अंदर ब्लर है। सो गाइस, ऐसा एडिटिंग सीखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, मैं बहुत ही इजी स्टेप से आप लोगों को सिखाया हूँ। ठीक है, वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो। सो गाइस, चले जाए कमल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले फोटो के अंदर रेड कलर अप्लाई करना है, तो इसके लिए आप लोगों को फोटो को लाइट मैप के अंदर इनपुट कर लेना है। इनपुट करने के बाद गाइस, आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आप लोगों को मैनुअल तरीके से स्टेप बाय स्टेप रेड कलर एडिटिंग सिखाऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखना। गाइस, सबसे पहले फोटो का लाइट एडजस्ट करना है, तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर दो टूल्स मिल जाएगा, एक ऑटो, दूसरा है मैनुअल। गाइस, मैं मैनुअल तरीके से लाइट को एडजस्ट कर लेता हूँ, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट को हाई करूंगा और हाईलाइट को माइनस की तरफ, शेडो को हाई, व्हाइट को माइनस की तरफ, ब्लैक को हाई। ठीक है, और उसके बाद मैं कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाऊंगा और यहाँ से गाइस मिक्स वाले टूल, और गाइस सबसे पहले येलो कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को माइनस की तरफ कर देना है। एंड गाइस, यहाँ से ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को माइनस की तरफ कर देना है, और उसके बाद सेचुरेशन को फुल्ली हाई कर देना है दोनों का। ठीक है, एंड आप लोगों को एक बार फोटो को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद गाइस दोबारा इसी फोटो को इनपुट कर लीजिए लाइट मैप के अंदर। जैसे कि गाइस, मैं दोबारा फोटो को इनपुट कर लिया लाइट मैप के अंदर, फिर से आप लोगों को मिक्स वाले टूल के अंदर जाना है और यहाँ से येलो कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को माइनस की तरफ कर देना है फुल्ली। और उसके बाद गाइस, आप लोग सेचुरेशन को हाई कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं यहाँ से डन पर टैप करता हूँ। करने के बाद गाइस, आप लोगों को यहाँ पर फिल्टर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और आर्टिक्स 3 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप लोगों को अप्लाई कर देना है, और उसके बाद इसका जो अमाउंट है इसको आप लोग फुल्ली हाई कर सकते हो या माइनस कर सकते हो, जो अच्छा लगे आप लोग वही रखना। ठीक है, सो मैं ऐसे ही रखता हूँ और उसके बाद राइट क्लिक करूँगा। करने के बाद गाइस, आप लोगों को कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ से गाइस व्हाइट बैलेंस को आप लोगों को मैनुअल तरीके से एडजस्ट कर लेना है अपने फोटो के मुताबिक से। ठीक है, सो गाइस मैं कर लेता हूँ अपने मेरे फोटो के मुताबिक से। करने के बाद आप लोगों को मिक्स वाले टूल के अंदर जाना है और यहाँ से गाइस आप लोगों को ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके लुमिनेशन को हाई कर देना है एंड सैचुरेशन को माइनस की तरफ, फेस गोरा एंड व्हाइट हो जाएगा। एंड आप लोग देख सकते हो फोटो रिटचिंग बहुत ही मस्त हो चुका है रेड कलर में। गाइस, यहाँ से आप लोगों को डन पर टैप करके जो क्लियरिटी वगैरह है उसको आप लोगों को बढ़ा देना है एंड पिगमेंट को माइनस की तरफ करके शार्पनेस को हाई कर देना है एंड नॉइस रिडक्शन को भी हाई कर देना है। अब गाइस, आप लोगों को इस फोटो को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद हम लोग चलेंगे एक न्यू एप्लीकेशन के अंदर, जिसको आप लोग प्ले स्टोर से बहुत ही ईजिली डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, सो मैं आप लोगों को ऐप का नेम भी बता देता हूँ। ठीक है गाइस, सो चलिए प्ले स्टोर पर। ओके गाइस, प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ओपन पर टैप करके ओपन कर लेना है एप्लीकेशन को। एंड गाइस, यहाँ से एक फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सो मैं एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसको मैं अभी सेव किया। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को फर्स्ट नंबर वाला जो ब्रश मिलता है मैजिक, इसके अंदर प्रेस करना है और 2 या 3 सेकंड वेट कर लेना है एंड बैकग्राउंड जो है कट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जूम करके जहाँ पर छोड़ दिया कुछ इस तरीके से मैनुअल तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अपने फोटो के मुताबिक से मैं कर लेता हूँ यहाँ पर। और करने के बाद गाइस, आप लोगों को यहाँ पर राइट क्लिक करना है। ठीक है, सो मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद गाइस, आप लोगों को इस वाले टूल्स के अंदर प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर और एक टूल्स मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हो, इसके अंदर प्रेस करना है। एंड गाइस, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, मॉडल के अंदर कुछ इस तरीके से पेंट करना है। ठीक है, और पेंट करने के बाद जो मॉडल है बैकग्राउंड से गायब हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा टाइम दीजिए एंड हो जाएगा। आप गाइस यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा सा टाइम लग सकता है अपने फ़ोन के मुताबिक से, यहाँ पर टाइम लग सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर गायब हो चुका है मॉडल। और उसके बाद आप लोगों को अप्लाई पर टैप करके अप्लाई कर लेना है। एंड गाइस, लास्ट में चला जाना है, यहाँ पर आप लोगों को एक ब्लर नाम का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके अंदर प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद जो बैकग्राउंड के अंदर ब्लर है वो आ जाएगा। एंड गाइस, यहाँ पर आप लोगों को नीचे के साइड ब्लर नहीं करना है, तो इसके लिए इस वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है एंड कुछ इस तरीके से DSLR जैसा ब्लर दे देना है, यानी फोटोशॉप जैसा। ठीक है, और उसके बाद गाइस, आप लोगों को राइट क्लिक करना है। करने के बाद गाइस, आप लोगों को चला जाना है यहाँ पर जो एक जैसे इसके अंदर। एंड गाइस, यहाँ से आप लोगों को चला जाना है सेचुरेशन पर, इसको थोड़ा सा हाई कर देना है। ठीक है, एंड आप लोग देख सकते हो गाइस, कितने मस्त तरीके से फोटो एडिटिंग हो चुका है एंड कितना मस्त लग रहा है फोटोशॉप जैसा ब्लर एंड रेड कलर कितना मस्त चमक रहा है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।